सीपीएच क्वेश्चनल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक श्रीवास्तव, आज मैं ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस के बारे में मैं बात करूंगा। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कहा जाए कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, और ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टूगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, यानी शब्दों का वह समूह जो निश्चित क्रम में वाक्य का एक सार्थक अर्थ प्रकट करता हो। यानी हम कहें जैसे अंशु राइट्स ए लेटर, अगर इस चीज को हम उल्टा लिखते हैं ए लेटर राइट्स, तो ये गलत हो सकता है, ये निरर्थक हो जाएगा। यानी वाक्य का जो अर्थ होना चाहिए वह सार्थक होना चाहिए, इसके लिए हम ग्रामर में सेंटेंस के जरिए सीखते हैं। लेकिन पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सीपी एजुकेशनल जोन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कमेंट लिखें कि ताकि हमारा मनोबल बढ़े और उसमें जो कमियाँ हों हमारे अंदर सुधार हो। मैं इन चीज़ों के साथ फिर मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, जो सेंटेंस की मैं बात कर रहा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। और इस वाक्य से हम चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, या चाहे वो नरेशन हो, या एसे लिखना हो, या कोई ट्रांसलेशन मुझे करना हो, तो मैं जब तक सेंटेंस के बारे में हम नहीं जानेंगे हम नहीं कर सकते। हाई स्कूल यूपी बोर्ड में 2 नंबर का रीऑर्डरिंग आता है, और 2 नंबर का रीऑर्डरिंग को हम ठीक क्रम में रखने के लिए हम सेंटेंस को सीखना हमें आवश्यक होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, यानी सार्थक हो अर्थ, वह वाक्य कहलाता है। अब हम पहले ये देखें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहले इस पर हम चर्चा करें, तब हम उसके बाद में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हम पहले द काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखें। तो पहला है असरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे हम कहें कि पवन इज ए गुड बॉय, तो ये अफर्मेटिव हुआ, हमने स्वीकार किया कि पवन इज ए गुड बॉय, उसको हमने सेंटेंस ग्रामर के तहत हमने उसको सुटेबल क्रमबद्ध शब्दों को मैंने रखा और उसको मैंने समझाया। दूसरा वाक्य होता है असरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, दूसरा भाग होता है। नेगेटिव जो है नकारात्मक वाक्य होता है, जैसे हम कहें कि पवन इज नॉट ए बैड बॉय, यानी पवन एक खराब लड़का नहीं है, बुरा लड़का नहीं है। तो यह चीज हम सीखते हैं कथनात्मक वाक्य में, यानी असरेटिव सेंटेंस में। दूसरा वाक्य है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में 2 प्रकार से होते हैं। अब कहा जाए कैसे होता है 2 प्रकार से, तो यस या नो में हम आंसर देते हैं। जैसे कहा जाए डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो व्यक्ति आंसर देता है कि यस आई नो, या कहता है कि नो आई डू नॉट नो, यानी उसको 2 प्रकार से उत्तर दिया जाता है। तो आस्क योर क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। और दूसरा भाग क्या होता है कि प्रश्न सूचक शब्दों को हम यूज करके हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, तो प्रश्न सूचक शब्दों के द्वारा हम उस वाक्य को प्रयोग करते हैं, वह है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य हम 3 प्रकार से हम रखते हैं, एक तो आदेश करते हैं, और दूसरा हम प्रार्थना करते हैं, और तीसरा हम सलाह देते हैं। जैसे कहा जाए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये हमने ऑर्डर किया, आदेश किया। फिर मैं प्रार्थना कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया 1 गिलास पानी लाओ, मैंने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया मैंने। और तीसरा क्या है, सलाह कैसे दिया जाता है, हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की सहायता करो, हमने एडवाइस दिया, सलाह दिया। तो ये 3 प्रकार के वाक्य हम इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जो आदेश सूचक वाक्य होता है।
ऑपरेटिव सेंटेंस चौथा होता है ऑपरेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में क्या है, जैसे हमने आशीर्वाद दिया मैं यू लिव लॉन्ग, हमने प्रार्थना किया मैं यू लिव लॉन्ग, और हमने आशीर्वाद दिया कि मैं यू गेट सक्सेस, और फिर हमने श्राप क्या दिया मैं यू फेल। तो इन तीन प्रकार के वाक्यों को हम ऑपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। चौथा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है कि हृदय में अचानक उठे हुए भाव को प्रकट करना, जैसे हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ, जैसे मैं कहीं घूमने गया किसी पहाड़ी जगहों पर या किसी ऐसी जगह जहाँ कोई बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा हो, तो अचानक हृदय में उठा व्हाट ए ब्यूटीफुल, हमने टॉक किया उसे। फिर उसमें बातें क्या आती हैं कि जैसे कहा जाए दुख व्यक्त करना हो तो हम कहते हैं अलास माई डॉग डाइड, या फिर प्रसन्नता व्यक्त करना होता है तो हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यानी ये सारे वाक्य जो हैं हृदय में आवेग जो आता है अचानक उठे हुए चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, जैसे ऐसे करके हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इन पांच प्रकार के वाक्यों को हम सुसज्जित तरीके से ठीक कर्मों में रखने के लिए हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने बताया, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जैसे कुछ लोग आपको चार भाग में चार प्रकार के बताएं, जैसे असरेटिव, इंटरगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन हम उसको पांच प्रकार से रखा मैंने, असरेटिव, इंटरगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। उन पांच प्रकार के वाक्यों को हम ठीक क्रम में कैसे रखें, सुसज्जित कैसे करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूपी बोर्ड में 2 नंबर का पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में रियाडरी आता है, तो उसको हम कैसे सुसज्जित करें, कैसे हम ठीक करें, तो हम पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग को हम देखते हैं। तो वाक्य के भाग दो प्रकार से होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की पहले मैं चर्चा करूं तो सब्जेक्ट में नाउन भी आता है, जैसे आप कहते हो कि पवन इज ए गुड बॉय, पवन नाउन हो गया। जैसे आप प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हो कि ही इज ए गुड बॉय, ही प्रयोग किए प्रोनाउन। उसके बाद तुम जिरंड का प्रयोग करते हो कि टू प्लेइंग, प्लेइंग इज यूजफुल, और फिर इन्फिनिटिव यानी टू प्ले का प्रयोग करते हो, टू प्ले इज यूजफुल। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट में आते हैं, और सब्जेक्ट जिस विषय में कुछ कहा जाए, जिस विषय के बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और जो जिस विषय के बारे में हम पूर्णतः रूप से कहने का अधिकारी होते हैं वो प्रेडिकेट होता है, यानी उस कार्य को दर्शाया जाता है, उस उद्देश्य के कार्य को हम बताते हैं। जैसे कहा गया कि अंशु राइट्स ए लेटर, तो अंशु सब्जेक्ट और राइट्स ए लेटर जो हो गया वो प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के अंतर्गत हम दो भाग रखते हैं, जैसे क्वालिफायर और मेन हेडवर्ड, या मेन या हेडवर्ड, यानी क्वालिफायर और मेन या हेडवर्ड। अब हम इस क्वालिफायर को हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्रेजेज। अब देखिए डिटरमाइनर क्या है, जैसे आर्टिकल्स ए एंड द, या प्रोनाउन हिज, योर, ब्रदर, चाहे, तो हम पहले प्रयोग करते हैं एन। ये क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर हो गया। अब एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ये डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा हम एडजेक्टिव फिर दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, पहले हम इतना चले। और मैन हम लिखते हैं, मैन क्या है, यह जो है ये मेन या हेडवर्ड हो गया, यानी इसको हम कहते हैं मेन या हेडवर्ड, इसको हम कहते हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया एन ओल्ड मैन, पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं,
फिर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और फिर हम हेड वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम प्रेडिकेट पे आते हैं। प्रेडिकेट में क्या आता है, पहले वर्ब आता है। जैसे हम कहें इज, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब में जैसे आपने पढ़ा है कि 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो वह तो बात की बात है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे तो हम समझाएंगे इसके बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के साथ भी मिलूंगा मैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत मैं ये रखूंगा कि कैसे क्या होते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में अब हम वीक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए तो वृद्ध आदमी कमजोर है, यानी यह जो प्रेडिकेट हो गया और यह सब्जेक्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा इस एडजेक्टिव फ्रेज को जोड़ते हैं दूसरे में। तो जैसे हम कहें कि ए माई यंगर, तो माई क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। यंगर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ब्रदर क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। ये क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। अब हम एडजेक्टिव फ्रेज क्या लिखते हैं, इन मुंबई, इन मुंबई, इन मुंबई, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेजेज हो गया। ठीक, अब फिर हम ये सब्जेक्ट तैयार हो गया। देखिए अब आप, ये आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया। सब्जेक्ट तैयार होने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट को लाते हैं। तो प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है, तो हम इज लिखे या कोई भी वर्ब हम लिखे, विज लिखे, और ऑब्जेक्ट क्या लिख दिए, हम रिच लिख दिए। यानी मेरा छोटा भाई मुंबई में धनी है, मेरा छोटा भाई मुंबई में धनी है, यह रियार्डिंग हो गया। यानी ठीक क्रम में शब्दों को रखना। अब थोड़ा सा हम चले इस चीज पर, जैसे ये तो आपने देखा, ये समझा आपने, ये समझा। केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसे क्या है, जैसे कहा जाए सूरज, सूरज, सूरज इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। तो सब्जेक्ट जो है यह है, और प्रेडिकेट क्या है, इज ए गुड बॉय। ठीक, लेकिन अब हम थोड़ा सा इस पे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे हम लिखें कि ही, हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लाते हैं राइट्स, राइट्स, हमने राइट्स लाया। राइट्स के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो भाग होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कहा जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोचेंगे कि सर कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो ये दोनों का प्रयोग उल्टा पुल्टा हो सकता है। जैसे कैसे होता है, जैसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाए, यू, यू क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए लेटर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको उल्टा क्यों बोले थे, तो जब हम ए लेटर को यहां पे लाएंगे तो यहां पे इन्फिनिटिव टू के साथ यू जुड़ जाता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे भी चला जाता है। तो पार्ट वन में हमने सेंटेंस के बारे में बताया सीपी एजुकेशनल जोन की तरफ से, और मैं सीपी एजुकेशनल जोन को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं क्वेश्चन आपको एक पुटअप करता हूं रियार्डरिंग पर, और कमेंट में आप उसका आंसर देंगे। तो
इस दोनों वाक्यों को आप रीऑर्डरिंग करके सही क्रम में रखकर आप सीपी एजुकेशनल जोन के कमेंट में आप डालेंगे और मैं सीपी एजुकेशनल जोन को धन्यवाद देता हूँ। और अगर हमसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और पार्ट टू में फिर हम आपसे नई चीज़ों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।